उनका ना मालूम था कि यहाँ आई के ना यही होने वाला है। हमारी कलाकृतियों को कौन नहीं देख रहा है। व्यर्थ गया यहाँ आना। हम सारा सामान समेट रही है, हम जा ही रहे हैं यहाँ से। अरे छोड़ से, तो हमें ये बता कि हम यहाँ क्यों आए। इसलिए ना पूरी दुनिया के सामने तेरी कला को ला सके। तो अब जब यहाँ आ ही गए तो नाम बना कर जाएंगे, जीत कर जाएंगे। वैसे भी आजाद गंज की लड़कियां हर काम में आगे रहती हैं। लड़कियों में सबसे पहले हमारी सानवी आती है, तो सानवी और उसकी मामा मिलकर उसकी मामी के लिए कुछ करेंगे। क्यों सानवी? आजादगंज वाले जीत कर जाएंगे। चले सानवी। सानवी सानवी, वाओ सो क्यूट, कितना प्यारा बच्चा है ना। और इसकी स्वेटर भी कितना प्यारा है। स्वेटर ने बच्चे की सुंदरता में चार चांद लगा दिए है ना। अगर आपको अपने बच्चे के लिए ऐसे स्वेटर चाहिए ना, तो आप लोग उस स्टॉल से लीजिए, वहां से खरीदा हमने। बहुत सुंदर स्वेटर है और बहुत अच्छा माल है वहां पर। हमने आपको शायद पहले कहीं देखा है। शायद यही देखा हो। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी। आपका पर्स बहुत खूबसूरत है। आपका पर्स कहाँ से लिया आपने, किस स्टॉल से? मतलब ये पर्स हमने उस स्टॉल से लिया है। आप ही जाइए, ऐसे पर्स आप ले लीजिए, आपकी प्रेमिका खुश हो जाएंगी। प्रेमिका? लगता है वो स्टॉल आपके किसी दोस्त का है। जी हमारी दोस्त का है। ये पर्स उन्हीं ने बनाया, और ये स्वेटर आप देख रहे हैं जो हमारी बेटी ने पहना है, ये भी उन्हीं ने बनाया। बहुत सुंदर चीजें बनाती है वो। बहुत खूबसूरत है, सादा सरल और खूबसूरत। आपने ठीक पहचाना, हमारा भी यही मानना है कि सादगी में ही सुंदरता है। वैसे उस स्टॉल में आप जाकर देखिए, जो घरेलू मामूली चीजें होती है ना,
उनसे सारी कलाकृतियां बनाई गई हैं और यही इनकी खास बात है। बहुत खूब। आप जैसे लड़कियां जिस गांव में हो उस गांव की तरक्की को कौन रोक सकता है? ओह, कितनी प्यारी बच्ची है। जरूर बड़ी होकर आपकी तरह बनेगी, स्मार्ट इंटेलिजेंट। ये बैग तो हम ले लेंगे। और स्वेटर भी ले लेते, लेकिन क्या करें, हमारे पास ऐसी प्यारी बच्ची भी तो नहीं है। ये बहुत खुशकिस्मत है आप, आपके पास ऐसा अनमोल हीरा है। हाँ, हमारी बेटी हमारा हीरा है और आजादगंज में सबसे कीमती है हमारी बेटी। जी बिल्कुल, आपके बारे में भी हमारे ऐसे विचार है। जी जी, सुंदर, बहुत सुंदर। अगला इनाम पूरे 5 लाख रुपए का है जो दूसरे पायदान के विजेता को दिया जाएगा और हमारे दूसरे पायदान के विजेता का नाम है मिस्टर मेहता फ्रॉम कोटा राजस्थान। चकोर, हम तो बाहर हो ही गए। तीसरा भी इनाम किसी और को मिल गया और दूसरा भी, और पहला इनाम तो हमको मिलेगा ही नहीं। हम क्या करें? छगन को काम मुंह दिखाई है। और अब जो अनाउंसमेंट। एक मिनट मैनेजर साहब, हमें भी मौका दीजिए। जी हाँ, अब बारी है पहले पुरस्कार पहले इनाम की, जिसकी कुल राशि है 10 लाख रुपए। और ये इनाम दिया जा रहा है एक ऐसे इंसान को जिसकी कला ने दूर दूर से आए हुए कलाकारों के बीच अपनी योग्यता का परचम लहराया है, जिसके हाथों के कला ने मशीनों को शर्मिंदा कर दिया। और इस अद्भुत कलाकार का नाम आजादगंज की गौरी छगन कुमार है। बधाई हो गौरी जी। बहुत बढ़िया गौरी जी, आपकी कलाकृति का तो कोई जवाब ही नहीं। सच में मैंने दुनिया भर में बड़ी से बड़ी इमारतें बिल्डिंग में प्रोजेक्ट बनाई है, लेकिन आज ये अनुभव हुआ कि सादा और सरल चीज कितनी खूबसूरत होती है। आपकी कलाकृतियों में वो जादू है जो शायद आपको भी नहीं पता। आपको इस बात का भी एहसास नहीं कि मार्केट में आपकी कलाकृति कितना पैसा कमा के दे सकती है आपको। आइए और अपना इनाम लीजिए। जाओ, जाओ, जाओ। चकोर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हम दोनों की वजह से नहीं, हम तीनों की वजह से। ये लीजिए आपका इनाम। धन्यवाद चीफ गेस्ट बाबू, हमें क्षमा कीजिए, हम ही इनाम की राशि ना ही ले सकत। ऐसा क्यों? क्योंकि इस इनाम की असली हकदार हमारी बड़की बहन चकोर है। उनके प्रयास से आज हम यहां तक पहुंचे, वरना हम तो शहर के नाम से डर गए थे। चकोर ने हमें समझाया हमारे डर को
टूर किया, हमें हौसला दिया, हिम्मत दी ताकि आज हम यहां तक पहुंच सके। हमने लिए सबसे लड़ी, यहां तक कि हमारे पति से भी। इस इनाम की असली हकदार चकोर है। चीफ केस बाबू, आप ये इनाम हमारी चकोरिया को दोगे ना, हमको बहुत ही खुशी होगी। जी बिल्कुल, लाइए उन्हें। चकोर आओ ना। जाओ जाओ। ये लीजिए आपके 10 लाख रुपए। लीजिए। ये चेक लेने से कोई फायदा नहीं होगा करण जी। मैं कुछ समझा नहीं। अगर आपको सच में गौरी की कला अनमोल लगती तो आपको नहीं लगता कि आपको उसे पैसों की बजाय एक मौका देना चाहिए? क्योंकि ये इनाम देकर तो आपका नाम होगा लेकिन काम नहीं होगा। काम तब होगा जब आप हमारे आजादगंज जाकर देखेंगे घरों में काम कैसे होता है। क्या आप हमारे आजादगंज जाएंगे?